नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज के सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण में नहीं थम रही अपराध की घटना, संग्रामपुर में अपराधियों ने की एक युवक की निर्मम हत्या। अपराध की योजना बना रहे अपराध कर्मी को पूर्वी चंपारण पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्टल, कारतूस, मोबाइल फोन और चोरी की गाड़ी भी बरामद। ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र से अलग अलग मामलों में तीन लोगों को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। सरपंच एवं पंच संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर ढाका व्यापार मंडल कार्यालय के सभागार में दिया एक दिवसीय धरना, मौके पर मौजूद रहे सभी पंच और सरपंच। मोतिहारी में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राइवेट शिक्षक और कोचिंग संचालकों ने काली पट्टी बांधकर निकाला प्रतिकार मार्च, के पाठक के फरमान को वापस लेने की कर रहे मांग। मोतिहारी में शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर किया सम्मान, शिक्षकों ने गुरु के सम्मान के लिए बच्चों को किया प्रेरित। शिक्षक दिवस पर आर्या विद्यापीठ स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर बांधा शमा, शिक्षकों ने दी शुभकामनाएं। माउंट लिटराजी स्कूल मोतिहारी में शिक्षक दिवस एवं जन्माष्टमी महोत्सव का किया गया आयोजन, बच्चों ने दिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। मझौलिया में शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों ने शिक्षकों को भेंट किए उपहार, शिक्षकों ने डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन पर डाला प्रकाश। और शिक्षक दिवस पर मझौलिया में याद किए गए डॉक्टर राधा कृष्णन, बच्चों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर बांधा शमा। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। पूर्वी चंपारण में अपराध की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, अपराधी लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। संग्रामपुर के घुसियाड़ गांव में दिन दहाड़े एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि युवक को पहले गोली मारी गई और फिर गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर अरेराज डीएसपी रंजन कुमार पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटे हुए हैं। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष पहाड़पुर द्वारा एनपीएस स्कूल के पास से मोटरसाइकिल लेकर खड़े तीन व्यक्ति को एक लोडेड देसी पिस्टल, कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पहाड़पुर थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इस संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय बेतिया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में सुचारू रूप से सुदृढ़ गश्ती करवाएं। इसी क्रम में पहाड़पुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3/9/23 को थानाध्यक्ष स्वयं पुवानी अमरेश कुमार स्वयं गश्ती में निकले हुए थे और गश्ती के क्रम में ही बलुआ भगत टोला स्थित एनपीएस स्कूल के पास जब इनकी गश्ती गाड़ी पहुंची तो उनको देखकर एक मोटरसाइकिल के पास खड़े चार पांच आदमी वहां से भागने लगे, जिसको बल के द्वारा चारों तरफ से घेर कर पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में जब उनका तलाशी ली गया तो उनके पास एक देसी पिस्टल और 7.65 की पाँच गोलियाँ और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का मिला। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इनके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार की खरीद बिक्री की जाती है। इस क्रम में जो बरामदगी हुई है, एक देसी लोहे का पिस्टल, एक 7.65 mm का पांच जिंदा गोली, एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर के, तीन मोबाइल, एक पर्स और अरेस्ट जो हुए हैं उसमें बबलू पासवान पिता राजेश पासवान, नितेश कुमार पिता ध्रुव पटेल, विक्रम कुमार पिता अक्षय लाल साहब, जिसमें विक्रम कुमार का आपराधिक इतिहास मिला है। ये हरसिद्धि में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ जेल गए थे तो इनके विरुद्ध हरसिद्धि थाना कांड संख्या 369/23 दर्ज किया गया। इस कांड में आगे भी हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं जिससे कई कांडों का उद्भेदन हो और आगे भी बरामदगी संभव हो सकती है। इसमें थानाध्यक्ष पहाड़पुर पुवानी अमरेश कुमार के अलावा परिचमान पुवानी नीलम कुमारी, परिचमान पुवानी प्रियंका गुप्ता है और वन सशस्त्र बल, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया जाए।
ढाका प्रखंड कार्यालय के नजदीक के व्यापार मंडल कार्यालय के प्रांगण में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच और पंच संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ढाका प्रखंड क्षेत्र के सभी 23 पंचायतों के ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचों के द्वारा बिहार सरकार से अपने पक्ष में 11 सूत्री मांग की गई। मौके पर ढाका प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष इकरामुल हक सहित सभी सरपंच और पंच मौजूद रहे। स्टेट लेवल पे यह धरना चल रहा है और स्टेट के तमाम प्रखंडों में हमारे सरपंच पंच और उप सरपंचगण जो है ना धरना पे बैठे हैं। इसकी बुनियादी मांगे ये है कि बुनियादी जो सहूलतें जो है ना ग्राम कचहरी के अंदर उन सहूलतों को मुहैया कराया जाए। चूँकि ग्राम कचहरी बनाने का जो मकसद सरकार का था वो मकसद सही ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहा है सरपंच लोग या पंच लोग, उसी मकसद को पूरा करने के लिए धरना दिया गया ताकि बुनियादी सहूलतें मुहैया हो। लेकिन आज 2006 से 2023 तक किसी प्रकार के मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिली। आज के रीजन में अभी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इस इलेक्शन से पहले जो अभी इलेक्शन हुई है मुखिया सरपंच वाले, इससे पहले लॉलीपॉप दिखाए थे, उस समय ये भी एक वायरल हो रहा था खबर कि वित्तीय कुछ दिया जाएगा। हाँ वित्तीय वही ना कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखाए थे कि जो भी सरपंच महोदय जीत के आवेंगे तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं हर प्रकार की दी जाएगी या विकासनात्मक कार्यक्रम में कुछ न कुछ दिया जाएगा, उनको भी दिया जाएगा कि बाल बच्चा उनका भी गुजर बसर करें और सुचारू ढंग से पंचायत चले। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे। जैसे कि हम लोग अगर पंचायतीय करने जाते हैं तो कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कहने के लिए हम न्यायपालिका सरपंच साहब है, न्यायपालिका में कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, न दबदार है, न बढ़िया से कोई न्याय मित्र है, कहीं सचिव है, यानी कि कोई सुविधा मूलभूत नहीं है। पूर्वी चंपारण के ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के करसरिया हनुमान चौक नजदीक से छापेमारी करते हुए एक बाइक के तेल के टंकी के अंदर और डीकी में छुपाकर रखे गए कुल 92 बोतल नेपाल निर्मित शौफी शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के बकरीहारी गांव निवासी लालदेव प्रसाद का पुत्र पंकज कुमार और दूसरा कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के किशोरी पासवान का पुत्र रितेश कुमार के रूप में चिन्हित की गई है। वहीं दूसरी ओर ढाका पुलिस ने जेवर चोरी के मामले में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो थाना क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा है। मोतिहारी ढाका रोड भरौलिया स्थित माउंट लेडरा जी स्कूल के सभागार में शिक्षक दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस अवसर पर भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा ने कहा कि शिक्षक दिवस गुरु शिष्य परंपरा भारत की सांस्कृतिक एवं अहम एवं पवित्र हिस्सा रहा है। शिक्षक ही हमें सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करता है और छात्रों के जीवन से अंधकार को मिटाकर उनके जीवन में प्रकाश फैलाता है, इसलिए शिक्षक एवं गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। इसके साथ ही मुख्य अतिथि विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता ने बच्चों को संबोधित करते हुए जीवन में शिक्षक की गरिमामयी उपस्थिति पर प्रकाश डाला, सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं इस सभा में उपस्थित हुए उत्तर बिहार परिषद के सदस्यों ने विद्यालय प्राचार्य विजय कुमार झा को सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य पुरस्कार से नवाजा। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जेएन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा, सीनियर कोऑर्डिनेटर अशोक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर भाव्या आनंद, इन सभी ने शिक्षक दिवस एवं जन्माष्टमी की बधाई देते हुए विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज शिक्षक दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे मोतिहारी जिले और देश भर के शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। शिक्षक दिवस बहुत ही धूमधाम से बच्चों ने मनाया और अपने शिक्षक को स्नेह और सम्मान दिया। बच्चों ने अनेक मनमोहक कार्यक्रम किए जिसमें मटकी फोर डांस संगीत रहा। मैं शुभम गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी, और माउंट लिटरन्स हमारे बच्चों की तरफ से सभी शिक्षकों को
जिलेवासी के जितने भी शिक्षक गण हैं और मोतिहारी के जितने भी शिक्षक गण हैं, सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा, चूँकि आज हमारे बच्चे डमी टीचर्स के रूप में रोल निभाए हैं और अपने शिक्षकों को सम्मान दिया है, ये काबिल तारीफ है। और मैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बीइंग अ शिक्षक, बीइंग अ टीचर, आई ऑलवेज एडमायर द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी। थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या एवं शिक्षक दिवस पर मोतिहारी निवासियों को माउंट लिटरा जी स्कूल परिवार की तरफ से सप्रेम शुभकामनाएँ एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे विद्यालय में इस पुनीत दिन का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की चित्र पे माल्यार्पण एवं पुष्पार्पण के साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित महात्म्यों का भी विशेष उल्लेख किया गया। विद्यार्थियों द्वारा गीत, संगीत, नृत्य आदि के माध्यम से मनोरंजक वातावरण का सृजन किया गया एवं उत्तेजक मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी रहा, जिसमें करतल ध्वनि और एवं हर्षोल्लास के साथ समस्त विद्यार्थियों ने स्वयं को रोमांचित महसूस किया। मोतिहारी के प्रबुद्ध जनों की ओर से आज के दिन शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य मुझ डॉक्टर विजय कुमार झा को का सामाजिक बहुमान भी किया गया। धन्यवाद। बाल गंगा स्थित आर्या विद्यापीठ स्कूल के प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर धूम देखी गई। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक के द्वारा आए हुए अतिथियों को शॉल भेंट कर एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय के सभी शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। बच्चों ने नृत्य नाटक की प्रस्तुति देकर लोगों को खूब झुमाया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक ने सभी शिक्षकों को बधाई दिया। देखिए, टीचर्स डे जो हम यहाँ पे मनाते हैं, ऐसे भी क्योंकि ये स्कूल है, विद्यालय है, और इसमें जितना भी समाज को जो है, चाणक्य ने कहा था कि इसमें टीचर के जो है गोद में दोनों पलते हैं, तो यहाँ पे मैं टीचर के लिए सबको बोलूँगा कि हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन, एंड स्पेशली फॉर द मोतिहारी टीचर्स के लिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि इसी ही दिन उसका करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। किताब के नाम है चॉक टू क्लिक। सभी जितने भी हैं टीचर्स, अब समय ऐसा आ गया है कि टीचर का रोल में एक एडिशन हो गया है, जहाँ पर उनको इस सोशल मीडिया के टाइम में जहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उनको फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए। स्पेशली जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में से नॉलेज निकाली है, और ऑल नॉलेज विजडम में नहीं होता, ऑल नॉलेज आर नॉट विजडम। सो बुद्धि के साथ उसमें से क्या निकालना है, क्या देना है, क्योंकि बच्चे के साथ हम मोबाइल छीन नहीं सकते, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और फैसिलिट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है अब कि टीचर अपनी जो एक चार दीवारी की जो क्लास है, अब वो नहीं रहा। अब समय है कि अगर मोतिहारी का एक छात्र, मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जहाँ पर मैं एक लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, वो अपना प्रोजेक्ट बट टोक्यो में बैठे छात्र के साथ कर रहा हो, न्यूयॉर्क में बैठे छात्र कर रहा हो, यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री में छात्र के साथ कर रहा हो, ये कोलैबोरेशन का टाइम है। एंड टीचर को अपना रोल देखना पड़ेगा, स्पेशली जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो कि सबको रिप्लेस कर रहा है। ऑफकोर्स टीचर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको उपयोग कैसे करना है, अब टीचर को ये बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ टीचर्स डे, आई वुड लाइक टू विश हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरीवन, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, इवन टू आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एंड आई विश, as in our school, as we you are noticing that it's a grand celebration happening, and our students' part is so important, and their dedication, their effort. So I wish
एंड आई सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम ईच एंड एवरीवन ऑफ आर्य विद्यापीठ एंड आउटसाइड ऑफ ईच एंड एवरीवन दैट टू ब्लेस देम दैट लाइक दैट दे आर doing for the school so that when they grow up they can contribute for the society and for the nation. Thank you. मोतिहारी के भवानीपुर जिराज स्थित आम्या आर्ट्स क्लासेस में आज डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। छात्रों ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया। वहीं कोचिंग के संस्थापक कुणाल कुमार ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षक अर्थात गुरु का महत्व ईश्वर के समान होता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को गुरु के सम्मान के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर 5 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है और हमारी संस्थान अमाया आर्ट्स क्लासेज और अमाया कोचिंग सेंटर दोनों संस्थानों पर इस बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती काफ़ी अच्छी से मनाई गई है और इसमें बच्चों ने काफ़ी अपनी प्रतिभा का कौशल प्रकट किया है। साथ ही साथ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण जिलावासियों के शिक्षक को 5 सितंबर की हार्दिक बधाई देता हूं और बच्चों की मंगल कामना करता हूं कि बच्चे अपने भविष्य में बहुत आगे जाएं और बहुत खूब करें। इसके साथ ही साथ जन्माष्टमी की भी सभी जिलावासियों को बहुत सारी बधाई और ढेर सारा प्यार। अगली खबर मझौलिया से है जहाँ आर के इंटरनेशनल हाई स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहां बच्चों ने आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर छात्रों ने शिक्षकों को उपहार भेंट किए। विद्यालय के डायरेक्टर राजेश कुमार कुशवाहा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्र छात्राओं को गुरु के सम्मान के लिए प्रेरित किया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मौके पर शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सेनवरिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 में शिक्षक दिवस के अवसर पर न्यू डायरेक्शन एजुकेशन सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पंचायत की मुखिया ज्योति श्रीवास्तव के पति व समाजसेवी रिंकू श्रीवास्तव ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में पंचायत की मुखिया ज्योति श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में शिक्षक का रोल बेहद ही अहम होता है। देश और समाज को बेहतर बनाने में एक शिक्षक बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। वहीं समाजसेवी रिंकू श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षक समाज का आधारभूत अंग होता है। वहीं डायरेक्टर जय कुमार एवं पन्नालाल महतो सहित अन्य शिक्षकों ने डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। छात्रों ने गुरु वंदना सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कार्यक्रम में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मौके पर सुनील कुमार हीरालाल पासवान सहित अभिभावक और ग्रामीण मौजूद थे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में एक कोचिंग संस्था के तरफ से ये सब कार्यक्रम हो रहा है और एक ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है। बच्चों के जो प्रतिभा छुपी हुई थी वो प्रतिभा देखने को मिल रही है, निखर रही है। हम यही चाहेंगे कि हर कोचिंग में हर संस्था में ऐसे कार्यक्रम हो, बच्चों की जो छुपी हुई जो प्रतिभा हो वो निखरे और वो आगे आए। कार्यक्रम से अच्छे में से समाज में जा रहा है और आगे भी हम प्रयास करें कि इस तरह का हर कोचिंग संस्था में हर स्कूल में बच्चों को ये शिक्षा मिले कि आगे आने वाले समय में इन लोगों को क्या करना है। इससे आगे विकास होगा और कार्य भी अच्छा होगा और शिक्षा भी आगे बढ़ेगी। आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर गुरुओं का दिन है और बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है और आज के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है ताकि बच्चे हर क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र हो, गीत संगीत का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, सब में तरक्की करें क्योंकि बच्चों का चौमुखी विकास ही शिक्षा का सही उद्देश्य है। आज पूरे प्रदेश और देश भर में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार के मोतिहारी में शिक्षकों का एक ऐसा तबका है जो इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहा है। ये शिक्षक समूह उपवास कर रहे हैं, साथ ही साथ हाथों में काली पट्टी बांधकर शहर में प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं। जी हाँ, ये सभी प्राइवेट शिक्षक और कोचिंग संचालक हैं जो बिहार सरकार के शिक्षा सचिव के पाठक के नए आदेश को काला कानून मान रहे हैं और उनके आदेश के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब हो कि के पाठक ने अपने नए आदेश में कहा है कि बिहार के सभी प्राइवेट शिक्षक अब सुबह 9 बजे के बाद बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, जिसका विरोध पूरे बिहार के प्राइवेट शिक्षक कर रहे हैं और इस आदेश के विरोध में लगातार सड़कों पर उतरकर विभिन्न तरीकों से इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस दौरान कोचिंग संचालक उमर तबरेज ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा।
अपर मुख्य सचिव के पाठक जी। के पाठक के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तुगलकी फरमान लेकर आते हैं, हमेशा तुगलक फरमान लेकर आते हैं। सबसे पहला तुगलकी फरमान इनका ये रहा कि जितनी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चल रही है उनको उन्होंने आदेश दिया कि सुबह 9 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक अपनी कोचिंग बंद रखनी है। क्यों बंद रखनी है? क्योंकि आपकी वजह से जो सरकारी संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। उनका मानना है कि प्राइवेट कोचिंग वाले की वजह से ये बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे तुगलकी फरमान को वापस किया जाए, नहीं तो फिर ये धरना प्रदर्शन बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाएगी। ये आगाज चंपारण से हुआ है। आप सभी को बता दें कि गांधी का जो जन्मभूमि रहा वो गुजरात रहा, लेकिन कर्मभूमि चंपारण रहा। चंपारण से जो आंदोलन शुरुआत होती है ये पूरे विश्व तक जाएगी, पूरे भारत में गूंजेगी। इसलिए मैं सीएम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तुगलकी जो आपका अधिकारी है इसको तुगलकी फरमान पे आप रोक लगाइए, और जो काला कानून कोचिंग एक्ट के तहत आया हुआ है उसको वापस लीजिए, और 9 से 4 के बीच जितनी भी प्राइवेट संस्थान है सबको पढ़ाने दीजिए। आप अपनी शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता लाइए, अपने बच्चे को खींच के ले जाइए, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रदान कर रहे थे अभी तक, अचानक से बिहार सरकार के द्वारा 2005 से 2011 के बीच में जो शिक्षकों की बहाली हुई मुखियाओं के द्वारा, उसमें 70% जो है करप्शन हुआ है। उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि एक काला कानून 2023 नियमावली अंग्रेज की तरह हम लोग के ऊपर थोपा है। हम लोग जो है क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन विद्यार्थी को दे रहे थे, अटेंडेंट के डर से उनको कॉलेजेज में बुलाया जा रहा है जहां कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप बुलाए तो पढ़ाए, पढ़ा भी नहीं रहे, हमको पढ़ाने भी नहीं दे रहे। हम लोग को 9 से 4 में टाइम का बॉन्ड किया गया है, जो मौलिक अधिकार का सरासर उल्लंघन है, अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत टाइम बॉन्ड नहीं किया जा सकता है। सरकार जो कर रही है सही है या गलत है इसकी पहचान कब होगी? बच्चों से पूछिए कि इस कॉलेज में जाकर क्या मिलता है उनको। अगर उनको अगर हम लोग से बेहतर मिलता है तो ठीक है, अगर बच्चों से पूछिएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप लोग कहना नहीं चाहते कि हम लोग को मौलिक अधिकार है उसको रोकिए मत, और हम लोग को दिन में क्या करें इसके लिए भी आप सोचिए, क्योंकि अब 9 बजे के पहले पढ़ाना है और उसके बाद नहीं पढ़ाना है तो जबरदस्ती रिटायरमेंट करने की बात हो गई है ना। इसलिए सरकार को इस पर सोचना है और अमल करना है इस पर। हाँ, अगर सरकार नहीं सोचती है तो क्या होगा इसके बाद, तो हम लोग क्या बताएं। इसके साथ पटना भी जाएंगे हम लोग, और पटना में भी हम लोग करेंगे इसके लिए, पूरे बिहार के लिए होने वाला है। चंपारण से आगाज हो गया है, प्रथम आगाज हुआ है, और पूरे बिहार सब होने वाला है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।